हेलो एवरीबडी वेलकम टू मैग्नेट ब्रीन मैं हूं आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर अनिशाह कैसे हैं आप सब लोग आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल मैं भी बहुत बढ़िया हूं यहां पे और पिछले पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने हमारा चैप्टर फाइव द एलिंग प्लानट ग्रीन मूवमेंट्स रोल में हमने उस चैप्टर को पूरा समझा था उसका एक्सप्लेनेशन कवर किया था और इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं उसी चैप्टर की समरी एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स सो लेट्स बिगिन समरी राइटर तो 1994 एंड इशू टूवर्डोरिए पालकी वाला ने लिखा था और जिसका टॉपिक ये था कि पूरा अर्थ और हमारे इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशूज और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए ह्यूमन बींग वो सब इस पूरे चैप्टर या इस आर्टिकल में आप कह सकते हो मैं तो वो ये कह रहे हैं कि इसमें राइटर क्या इशू उठाते हैं क्या प्रॉब्लम उठाते हैं द हेल्थ ऑफ द अर्थ जो अर्थ की जो हेल्थ है जो गिर रही है अर्थ की हेल्थ खराब हो रही है उसके बारे में इसमें पूरा बताया गया है एज ह्यूमन बींग्स हैव बीन एक्सप्लॉयटिंग नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम डेकेड्स प्रेजेंटली द कंडीशन हैज मेड द इन्वायरमेंट क्रिटिकल क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्योंकि इंसान डेकेड्स यानी पिछले कई सालों से अर्थ की जो कंडीशन है जो हमारे एनवायरमेंट है उसको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं यानी इसके रिसोर्स कंटिन्यूसली ओवर यूज कर रहे हैं और बिल्कुल भी नहीं सोच रहे कि ये रिसोर्सेज जो हैं ये हमें हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखने तो इससे क्या हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट की जो कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल हो गई है बहुत सीरियस हो गई है 1972 में द ग्रीन मूवमेंट हेल्प इन्वायरमेंटलिस्ट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल कंडीशन ऑफ द अर्थ एंड सिंस देन देर हैज बीन नो लुकिंग बैक एज अ मूवमेंट हैज बीन सक्सेसफुली एजुकेटिंग पीपल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट तो यहाँ पे जो हमारे ऑथर है वो ग्रीन मूवमेंट नाम के इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 1972 में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था कहाँ पे न्यूजीलैंड में और बता रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है इसमें क्या बता रहे थे टू रेज अवेयरनेस अबाउट दी हार्मफुल कंडीशन ऑफ दी अर्थ ये अर्थ में जितनी भी हार्मफुल कंडीशन है जो भी खतरनाक कंडीशन जो कि अर्थ की हेल्थ को खराब करिए उसके बारे में इसमें मेंशन करा गया है और इस मूवमेंट ने इस ग्रीन मूवमेंट यानी ये गो ग्रीन मूवमेंट भी आप इसको कह सकते हो कि हरियाली बढ़ाओ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस को उसमें इनक्रेज किया गया है तो इसमें बता रहे हैं कि जो लोग हैं बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहे हैं यानी जागरूक हो गए अवेयर हो गए कि ठीक है हमें भी अब अपनी एन्वायरमेंट को अच्छा बनाना है ग्रीनरी बढ़ानी है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने यानी कि ए फॉरेस्टेशन करना है और तब से ले जो लोग लोगों ने स्टार्ट किया तो अब दे आर नॉट लुकिंग बैक अब उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है कोई भी इस चीज़ को लाइटली नहीं ले रहा और बिल्कुल आगे बढ़ते जा रहा है इस मूवमेंट के साथ यानी इस मूवमेंट से जो भी मूवमेंट बोल रहा है करने के लिए एग्जैक्टली exactly वो सब लोग फॉलो कर रहे हैं और ये मूवमेंट सक्सेसफुली अब लोगों को एडुकेट कर रहा है कि हमें हमारे फॉरेस्ट को हमें हमारे एनवायरनमेंट को क्या करना है कंजर्व करना है यानी प्रोटेक्ट करके रखना है बचा के रखना है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर uh, है हमारी एनवायरनमेंट का और बहुत सारी स्पीशीज बहुत सारे एनिमल्स इन्हीं फॉरेस्ट में रहते हैं और हमें बहुत सारे एन नंबर ऑफ रिसोर्सेस इन्हीं फॉरेस्ट से मिलते हैं अर्थ इज लाइक अ पेशेंट हुज हेल्थ इज डिक्लाइनिंग एंड इट इज आर ड्यूटी टू इम्प्रूव इट तो 1994 में क्या बोल रहे थे कि जो अर्थ है वो क्या बन गई है उस पेशेंट की तरह उस मरीज की तरह बन गई है जिसकी दिन पर दिन हेल्थ गिरती जा रही है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम ह्यूमन्स की ड्यूटी है कि हम उसकी हेल्थ को बचाएं और कंटिन्यूसली इंप्रूव करें सब मिलके। इन 1987 द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज यूज बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट अब ग्रीन मूवमेंट के बाद एक और कॉन्सेप्ट के बारे में यहां पे मिस्टर नानी पालकी वाला हमें बता रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये 1987 में इंट्रोड्यूस हुआ था और किसने किया था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने ये ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था अब देखते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया था कि हमें जितनी जरूरत है नेचुरल रिसोर्सेस की उतना ही यूज करें ना कि ओवर यूज करें और जो भी यूज़ कर रहे हैं वी शुड कीप इन माइंड आर फ्यूचर जनरेशन हमारे आने वाली पीढ़ी के बारे में हमें सोचना चाहिए कि जैसे इन चीज़ों की ज़रूरत हमें है एग्जैक्टली exactly उन चीज़ों की ज़रूरत हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी होगी ऐसा ना हो कि सारे रिसोर्सेज को हम खा पी के हम ही खत्म कर दें और सेल्फिश बन जाए और उन्हें उन, उनके लिए कुछ भी ना छोड़े तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं कि हमें सस्टेन करना है यानी बचा के रखना है इन सब रिसोर्सेज को हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए तो उसी का एग्जांपल देते हुए उन्होंने बताया है कि अ जू इन लुसाका जाम्बिया हैज़ अ केज इन विच

जो जहाँ जहाँ जंगली जानवर रहते हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर इंसान है क्योंकि इंसान ने हमारे पूरे पर्यावरण को हमारे इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉयट किया है खराब किया है वैसा एक्सप्लॉयट किया जैसे जानवर जैसे एनिमल्स भी नहीं करते तो सोचिए आप उस वक्त कितनी बुरी कंडीशन होगी इन्वायरमेंट की कि जू में इस तरीके की बातें ऐसे स्टेटमेंट्स लिखे गए थे ब्रांड कमीशन रेज द क्वेश्चन ब्रांड कमीशन एक कमीशन है यानी एक एजेंसी है जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को उठाती है और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करती है तो उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट में क्वेश्चन लिखा था आई वी टू लीव आर सक्सेस आ स्कॉच प्लानट ऑफ एडवांसिंग डिजर्ट्स इम्पावरिश लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरमेंट तो वो ये कहते थे कि क्या हम लोग ऐसे लोग हैं जो हमारे सक्सेसर्स के लिए यानी हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक स्कॉच प्लानट छोड़ें यानी कि एक ऐसा प्लान जो बिल्कुल खराब हो चुका है जिसकी ऊपर से ज़मीन जली हुई और बैरन बंजर ज़मीन है वो छोड़ के जाएंगे एक एडवांसिंग डेजर्ट्स यानी खाली रेगिस्तान खाली बंजर ज़मीनें छोड़ेंगे या इम्पावर लैंडस्केप्स वो लैंडस्केप्स जो ख़राब हो चुके हैं वो ज़मीनें जब किसी जो लैंड्स जो वेस्ट लैंड्स हो चुकी हैं अब किसी यूज़ में नहीं हैं और एक एलिंग एनवायरमेंट छोड़ना है हमें एलिंग यानी वो एनवायरमेंट जो एक बहुत पुअर हेल्थ और पुअर कंडीशन में तो उस ब्रांड uh, कमीशन नाम की इस एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में इस तरीके के क्वेश्चन रेस किए थे अब यहाँ पे फोर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बता रहे हैं वो देर आर फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम दैट फॉर्म द फाउंडेशन यानी कि बेस ऑफ़ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम तो हमारा जो पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है इसका फाउंडेशन इसका बेस है क्या है ये पूरा सिस्टम किन चार चीज़ों पे खड़ा है तो चार इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम्स पे खड़ा है वो है फिशरीज ग्रास लैंड्स फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड फिशरीज यानी सारी मछलियाँ फॉरेस्ट यानि सारे जंगल पेड़ पौधे क्रॉपलैंड यानी वो सारे लैंड जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है जहाँ पे क्रॉप्स अनाज उगता है और ग्रास लेंस यानि वो सारे लैंड जो पूरी घास से भरी हुई हैं घास से ढकी हुई हैं दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड फूड एंड रॉ मटीरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट फॉर मिनरल्स एंड सिंथेटिक्स तो ये जो चारों इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हैं ये हमें खाना तो दे ही रही हैं लेकिन सारी इंडस्ट्रीज के लिए एज अ रॉ मटीरियल सर्व कर रही हैं यानी कि जो भी रॉ मटीरियल इन इंडस्ट्रीज को चाहिए वो इन चारों कॉम्पोनेन्ट्स में से उन्हें मिलता है एक्सेप्ट मिनरल्स और सिंथेटिक्स जिसमें आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस लगते हैं इन दो इंडस्ट्रीज में इन रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं है यानी कि इन फोर कंपोनेंट्स की उनको ज़रूरत नहीं है विद दीज सिस्टम्स बिकमिंग अनसस्टेनेबल अब ये जो चार इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं ये अनसस्टेनेबल हो रहे हैं यानी कि ये बहुत ओवर यूज़ हो रहे हैं और हम इस पर्सपेक्टिव पे इस थिंकिंग पे इस व्यू को लेके बिल्कुल उसे यूज़ नहीं कर रहे कि हमारी आने वाली जनरेशन को भी इन चार इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अनसस्टेनेबल तो जिस जो अनसस्टेनेबल हो रहे हैं और जिसकी वजह से क्या हो रहा है फिशरीज विल कोलैप फिशरीज कोलैप्स हो रही है क्यों क्योंकि लोग प्रोटीन हंगरी हो गए लोगों को प्रोटीन चाहिए तो जिसकी वजह से फिश का कंजम्पन लोग ज्यादा कर रहे हैं और फिश की जो नंबर है वो कम हो जाएंगे द फॉरेस्ट विल ऑल्सो स्लोली डिसअपेयर फॉरेस्ट डिसअपेयर यानी जंगल सब डिसअपेयर गायब हो जाएंगे क्योंकि डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है ग्रास लैंड विल टर्न इन टू बैर इन वेस्टलैंड जितने भी ग्रास लैंड्स हैं उनको भी आप क्लियर करते जा रहे हो तो वो बैरन वेस्टलैंड बन रहे है कि वो बंजर जमीन जिसमें कोई काम नहीं हो सकता जिसमें कोई खेती नहीं हो सकती कोई प्लांट नहीं हो सकता वो खराब है एंड क्रॉप विल बिकम वर्स और जो यानी वो लैंड जहां पे खेती बाड़ी हो रही है एग्रीकल्चर हो रहा है वो बिल्कुल वेस्ट हो रहा है यानी कि वो भी बर्बाद हो जाएगा इन पुअर कंट्रीज फॉरेस्ट आर बिंग कट डाउन फॉर फ्यूल वुड विच इज यूज फॉर कुकिंग पर्पसिज तो यहाँ पे पुअर कंट्रीज की बात बता रहे हैं कि वहाँ पे कोई गैस या कोई स्टोव नहीं होता वहाँ पे वो लोग पास में ही जाते हैं जो गरीब लोग होते हैं पुअर कंट्रीज में वो जाते हैं पास ही में किसी जंगल से पेड़ काट के लकड़ियाँ लेते हैं और लकड़ियों पे वो अपना कोई पॉट हैं फ्यूल वुड जलाते हैं यानी कि लकड़ी जला के खाना बनाते हैं इस ये भी एक बहुत मेजर रीजन है फॉरेस्ट कट होने का क्योंकि इतने सारे लोग लकड़ियों की मदद से खाना बना रहे हैं और इतनी सारी लकड़ियों को वेस्ट कर रहे हैं आर सम एरियाज द कॉस्ट ऑफ फ्यूल वुड इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ द फूड इट इज लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन एट एन अलार्मिंग रेट तो ये क्या हो रहा है कभी अब तो फ्यूल वुड इतना महंगा हो गया कि वो लकड़ियां इतनी महंगी हो गई हैं कि पॉट में जो खाना बन रहा है वो सस्ता है एज कंपेयर टू द फ्यूल वुड इतना महंगा हो गया है तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का इशू बहुत उठाया गया है कि पेड़ को काटना आप कम करिए और ये एक अलार्मिंग रेट है यानी कि चौकन्ना करने वाली सिचुएशन है कि हमें अपने पर्यावरण को बचाने की अब बिल्कुल जरूरत आ गई है वन ऑफ द रीजन फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इज द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि यहाँ पे हमारे ऑथर जो है वो यहाँ पे उठा रहे हैं वो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है हमारे पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा रिसोर्सेज की खपत भी बढ़ेगी रिसोर्सेज का कंजम्पशन भी बढ़ेगा तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू उन्होंने बताया है इट इज ऑब्जर्व दैट वन मिलियन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग इन एवरी फोर डेज ये सिचुएशन आ गई है one, 1994 की बता रहे हैं वो कि हर चार दिन में एक मिलियन पॉपुलेशन बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड की मिला के दिस इज नॉट ए गुड साइन और ये एक अच्छा साइन नहीं है क्योंकि जि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतने ज्यादा लोग उतने ज्यादा रिसोर्सेज की खपत उतनी ज्यादा गरीबी भी बढ़ेगी देर इज एन अर्जेंट नीड टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रोसेप्टिव फॉर दिस प्रॉब्लम तो वो ये कह रहे हैं कि अब वो पॉइंट आ गया है कि एक अर्जेंट नीड हो गई है लोगों को ये अवेयर करने की पॉइंट आ गया है कि उनको पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको अवेयर किया जाए उनको बताया जाए उनको स्टडी कराया जाए यानी कि उनको उनके दिमाग खोला जाए इस कॉन्सेप्ट को लेकर और बोला है कि जो डेवलपमेंट है यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट लोगों का बेस्ट कॉन्ट्रोसेप्टिव है और इसी के लिए ये कर और अगर डेवलपमेंट तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर पॉपुलेशन कम होगी क्योंकि अगर जितने बच्चे बढ़ते जाएंगे आपको लग रहा है कि बहुत बच्चे पैदा करेंगे तो उतने ज्यादा वर्किंग हैंड्स और कमाने वाले लोग होंगे एक गरीब फैमिली में लेकिन उन्हें खाना भी तो खिलाना पड़ेगा और अगर आपके पास इतने पैसा ही नहीं कि आप उन्हें खाना खिला पाओ तो उनका डेवलपमेंट कहाँ से कर पाओगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल इज मस्ट To, uh, in order to save our environmental issues, we must see the world as a whole and not a dissociated parts. It is a holistic and ecological view. तो यहाँ पे पालकी वाला कह रहे हैं कि हमें अर्थ को एज अ होल देखना है जिसकी टेक केयर करनी है एक डिसोसिएटेड पार्ट्स में नहीं देखना कि हमने अर्थ के इस पार्ट को सही कर दिया या इस पर्टिकुलर फैक्टर को सही किया नहीं हमें एज अ होल एज अ होलिस्टिक व्यू देखना है यानी कि हर तरीके से हर डायरेक्शन से ओवरऑल व्यू देना है अर्थ को और हमारे सारे इकोलॉजिकल सिस्टम्स को According to Lester Brown, we have not inherited the earth from our forefathers, but we have borrowed it from our future generations. तो मिस्टर लेस्टर ब्राउन कहते हैं कि हमने जो ये हमारी अर्थ है वो हमारे फोर फादर्स यानि हमारे पूर्वजों से हमारे फादर हमारे ग्रैंड फादर से नहीं लिए ऐसा सोचो वो ऐसा सोचने को कह रहे हैं क्योंकि अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हमने हमारे पूर्वजों से हमें ये अर्थ मिली है विरासत में मिली है तो हम इसको ध्यान से यूज़ नहीं करेंगे जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ नहीं करेंगे अंधाधंध यूज़ करते जाएंगे लेकिन हम ये सोचें कि हमने ये जो लैंड है ये जो अर्थ है अपने चिल्ड्रन से बोरो किए यानी उनसे उधार लिए और हमें एग्जैक्टली exactly उसी कंडीशन में अच्छी कंडीशन में उनके लिए बचा के रखना है क्योंकि उन्हें भी देना है यूज़ करने के लिए तब जाके हम इस अर्थ में सारे रिसोर्सेज को जितनी ज़रूरत होगी उतना यूज़ करेंगे और पल्यूट नहीं करेंगे यानी गंदा नहीं करेंगे तो मिस्टर लेस्टर ब्राउन ये वर्ड्स कहते हैं तो यहाँ पे हमारी समरी खत्म होती है और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है लोकेट द लाइंस इन सपोर्ट द टाइटल हमें कुछ लाइंस दी हुई हैं और हमें कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं हमें चैप्टर में वो लाइन निकाल के बतानी है कि वो लाइन इस सिचुएशन पर मैच कर रही है तो हमें यहाँ पे कुछ लाइन्स बतानी तो है तो चैप्टर की लाइन्स है द लाइन्स एट सपोर्ट द एलिंग प्लान एलिंग प्लान यानी कि एक अनहेल्दी प्लैनेट है हमारी दुनिया हमारा अर्थ ये कौन सी लाइन्स पढ़ के आपको पता चल रहा है चैप्टर की तो वो लाइन्स हैं

ये लाइंस जो है जो ब्रांड कमीशन ने अपनी पहली रिपोर्ट में जो क्वेश्चन उठाया था इस लाइन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा आ, हमारी अर्थ एलिंग कि एक अनहेल्दी प्लान की तरफ बढ़ रही है द हैज डेटोरिएटेड सो बैडली दैट इट इज क्रिटिकल इन मेनी ऑफ द कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड तो ये जब बताया जाता है कि 88 कंट्रीज में आ, जब यूनाइटेड नेशंस ने पूरे अर्थ का एक सैटेलाइट व्यू लिया तो सैटेलाइट पिक्चर्स ली थी और पता था कि 88 कंट्रीज जो हैं उस उन कंट्रीज में इन्वायरमेंट की हेल्थ बहुत पुअर है और और वहाँ पे इन कंट्रीज में जो हेल्थ है वो बहुत क्रिटिकल हो गई यानी कि बहुत सीरियस हो गई अर्थ की तो जब ये लाइन हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अर्थ एक एलिंग प्लानट है फोर्थ देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट फैक्टर्स डिस्टॉट इंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी तो जब लास्ट पॉइंट में हमें हमारे ऑथर बताते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो बढ़ रही है ये एक सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर इशू है हमारी अर्थ की और हमारी ह्यूमन सोसाइटी के फ्यूचर को बर्बाद करने वाली या खराब करने वाली तो हमें पता चलता है कि ये जो अर्थ है एक एलिंग प्लेनेट है सेकेंड क्वेश्चन वॉट डज द नोटिस द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल एट द केज इन जू एट लोसाका जॉबिया सिग्निफाई तो लुसाका जाम्बिया में जो जू था जिसमें केज में लिखा था इंसानों को लिए एक केज था उसमें मिरर लगा था और लिखा था सबके लिए इंसानों के लिए कि हम इंसान वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल है तो वो क्या सिग्निफाई करता है वो क्या बताने की कोशिश करता है द notice the द most मोस्ट डेंजरस एनिमल सिग्निफाइज दैट ह्यूमन हैज़ the द for फॉर अ लॉन्ग टाइम कि हम इंसानों ने बहुत लंबे समय से इस पूरी अर्थ की जो हालत है उसको डेटोरिएट करिए यानी कि घटाई है बर्बाद की है दैट इज इज ओन सर्वाइवल इज अंडर थ्रेट नाउ और इतनी बुर, इतनी बुरी हालत कर दी अर्थ की कि आज इंसान का खुद का सर्वाइवल खुद का जिंदा रहना थ्रेट में हो गया यानी कि डर में हो गया उसका खुद जिंदा रहना मुश्किल हो गया वो बोलते ना पेड़ काटा पर अपने लिए अपने लिए किसी और के लिए गलत करो उनके लिए गड्ढा खोदो तो हम उसमें खुद जाके गिरते हैं तो एग्जैक्टली exactly वो हम इंसानों के लिए भी हो गए कि हमने हमारी अर्थ का इतना बुरा हाल कर दिया कि आज उस गड्ढे में हम खुद ही गिर गए हैं हाउ आर दी अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बिंग डिप्लीटेड तो अर्थ के प्रिंसिपल यानी जो इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम जो हैं जो कि फिशरीज हैं क्रॉपलैंड हैं ग्रास लैंड हैं और फॉरेस्ट हैं ये जो चार हैं इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम्स ये कैसे डिप्लीट हो रहे हैं यानी अब ये भी कैसे घट रहे हैं तो देर आर फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स फिशरीज ग्रास लैंड फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड दिस फोर सिस्टम प्रोवाइड फूड एंड रॉ मटीरियल फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट द मिनरल एंड तो ये हमें खाने के साथ साथ जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको क्या देता है एज अ रॉ मटेरियल सर्व करता है एक्सेप्ट मिनरल्स और सिंथेटिक्स क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस की जरूरत होती है सिस्टम्स हैव रीच्ड एन अनसस्टेनेबल पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी हैव इंपेयर्ड तो ये जो चारों सिस्टम्स हैं वो अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच गए यानी कि वो अब वो सस्टेन नहीं कर सकते यानी वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाने के लिए मुश्किल हो गए उनके लिए बचाने के लिए मुश्किल हो गए और जो उनकी प्रोडक्टिविटी वो इम्पेयर हो गई यानी कि बहुत रुक गई है, खराब हो गई है एज अ रिजल्ट फिशरीज आर कोलेप्सिंग और इसका रिजल्ट क्या है जो फिशरीज है वो कोलेप्स हो रही है क्योंकि लोग क्या हो गए लोग बहुत ज्यादा प्रोटीन हंगरी हो गए फिश इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है सारे ग्रासलैंड जो हैं, वो खराब हो रहे हैं और सारे फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं और ग्रास किस किसमें टर्न हो रहे हैं

कि जो फायरवुड है जो लकड़ी है वो ज़्यादा महंगी हो गई है किससे जो कि उसमें पॉट पे रखे हुए खाना है लकड़ी है पॉट है उसके ऊपर खाना बन रहा है तो खाना सस्ता है और लकड़ी अब महंगी हो गई है मेनी स्पीशीज आर अंडर डिस्ट्रक्शन इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और हम जो ये पेड़ काट रहे हैं जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं इसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज यानी जीव जंतुओं की एनिमल की जो प्रजातियाँ हैं वो डिस्ट्रक्शन में हो रही हैं यानी कि बर्बादी बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि हम जब पेड़ काट रहे हैं तो अल्टीमेटली हम पेड़ों के साथ जंगल जो क्लियर कर रहे हैं हम जानवरों का और स्पीशीज का घर भी तोड़ रहे हैं बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि वो सारे जानवर और स्पीशीज वहीं रहते हैं डज दी ऑथर एवर एवर यानी स्टेट कर रहे हैं ये चीज बता रहे हैं दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टोर्टिंग द ह्यूमन फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी कि जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है ये सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है डिस्टोर्ट करने वाला है ना खराब करने वाला हमारे फ्यूचर के ह्यूमन सोसाइटी को तो पॉपुलेशन उन्होंने क्यों मेजर इशू बताया है तो द ऑथर एवर्स एंड स्टेट्स दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट फैक्टर्स बिहाइंड द डिस्ट्रोशन ऑफ फ्यूचर ऑफ मैन काइंड बिकॉज ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि ओवर पॉपुलेशन से क्या हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं गरीब लोग क्या करते हैं ज़्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और सोचते हैं कि ये ज़्यादा कमाने वाले लोग होंगे हमारे घर में बट ऐसा नहीं है कंट्री में सोसाइटी में जितनी जॉब्स हैं उतने और वो जॉब्स जो हैं वो सबके लिए तो अवेलेबल नहीं है तो ये जो जितने ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं उन्हें जॉब भी तो मिलनी चाहिए जॉब वो काम करने के लिए अवेलेबल है लेकिन जॉब्स है नहीं उनकी मीटिंग को मै, मैच करने के लिए तो वो एक अनएम्प्लॉयड स्टेज पर हैं राइज इन पुअर हेल्थ कंडीशंस एंड अल्टीमेटली पावर्टी उनके खाने को नहीं है इनके पास तो क्या होता है पुअर हेल्थ कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से और गरीबी बढ़ रही है हमारी कंट्री में और हमारे वर्ल्ड में इट डेटोरिएट्स द इन्वायरमेंट एंड द फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स और ये जो बढ़ती पॉपुलेशन है बढ़ते लोग हैं ये क्या कर रहे हैं ये फोर बायोलॉजिकल जो सिस्टम्स है फिशरीज क्रॉपलैंड ग्रास लैंड फॉरेस्ट इनसे मिलने वाली सब चीज़ों को तो कंज्यूम कर ही रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है काम तो वो कर नहीं रहे और साथ में खाए जा रहे हैं कंज्यूम करे जा रहे हैं इन फोर इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम से तो इससे हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है डेटोरिएट हो रहा है यानी कि और घट रहा है बर्बाद हो रहा है द रिचर आर गेटिंग रिचर अमीर अमीर होता जा रहा है एंड पुअर इज बर्थिंग मोर चिल्ड्रेन विच लीड्स टू मोर अनएम्प्लॉयमेंट और जो पुअर पीपल है वो ज्यादा से ज्यादा बर्दिंग कर रहे हैं यानी बर्थ कर रहे हैं बच्चे पैदा कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कंट्री में आ रही है डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रोसेप्टिव विच विल लीड टू मोर एम्प्लॉयमेंट तो डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है इन लोगों का तभी जा कर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और डेवलपमेंट तब होगा जब कम लोग होंगे कम लोग होंगे तो उन कम लोगों का डेवलपमेंट करना ईजी होगा इतने सारे लोगों का डेवलपमेंट करना पॉसिबल नहीं है राइज इन हेल्थ कंडीशन एंड इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशन तो कैसे होगा डेवलपमेंट उनकी हेल्थ कंडीशन जब इम्प्रूव होंगी और जब उनका एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा तब होगा एक प्रॉपर ओवरऑल डेवलपमेंट इट ऑल्सो रिजल्ट इन द रिडक्शन इन फर्टिलिटी रेट तो फर्टिलिटी रेट रिडक्शन यानी कि बच्चे पैदा कम करना तो ये कब होगा जब हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेगी कि और लोगों को समझाएगी एक्सप्लेन करेगी अवेयर करेगी अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस पे वी हैव टू चूज बिटवीन पॉपुलेशन कंट्रोल एंड कीपिंग अप विद द पॉवर्टी तो हमें चूज करना है इन दोनों के बीच में कि हमें क्या करना है कि हमें पॉपुलेशन बढ़ाते जाना है या हमें पॉवर्टी को इन कंट्रोल करना है तो यह हमारे हाथ में सब हमारी चॉइस है हमारे हाथ में कि हम पूरी दुनिया को एक सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस बनाएं और कैसे बनाएं? जब हम ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये ब्रांड कमीशन की रिपोर्ट में क्वेश्चन था कि क्या हम अपने सक्सेस या अपनी फ्यूचर जनरेशन को एक स्कॉस्ट एक खराब जला हुआ प्लानट देंगे जहाँ पर लैंड्स ख़राब है और एडवांसिंग डेजर्ट्स यानी डेजर्ट रेगिस्तान बढ़ते जा रहे हैं लैंडस्केप्स ख़राब है और एलिंग एनवायरनमेंट यानी जो पूरा एनवायरनमेंट है इस प्लानट का वो एलिंग यानी बहुत पुअर हेल्थ में तो हमें इन लाइंस को डिस्कस करना है द अब लाइन इन द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द ब्रांड कमिशन विदिंग स्केल ऑफ डिस्टोशन बर्डन प्लान विद एडेड रिजर्ट तो हम लोग इतना ओवर पॉपुलेशन हो गए ओवर पॉपुलेटेड हो गए और इतना ज्यादा कंजम्पन कर रहे हैं जिसकी वजह से हम एक एडेड डेजर्ट या खराब डेजर्ट खराब इन्वायरमेंट हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ के जा रहे हैं आर अर्थ इज़ लाइक अ पेशेंट विद डिक्लाइनिंग हेल्थ एंड इट इज नॉट अ गुड साइन हमारी अर्थ एक पेशेंट एक मरीज की तरह बन गई है जिसकी दिन पर दिन हेल्थ गिरती जा रही है और ये एक अच्छा साइन नहीं है डिफॉरस्टेशन एंड ओवर पॉपुलेशन आर समी रीजन बिहाइंडेशन ऑफ द अर्थ तो डिफॉरेस्टेशन और ओवर पॉपुलेशन यानी पेड़ ज्यादा से ज्यादा कटना और पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ना दो इंपॉर्टेंट और मेजर कंसर्नस हो गए हैं हमारी अर्थ की हालत को डिटोरिएट करने में यानि घटाने में वी मस्ट रियलाइज़ज़ द एरा ऑफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमारा एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी वो टाइम ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आ गया है या कि अब हम अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी ले लें कि हम एक जिम्मेदार सिटीजन्स बने बिफोर इट्स टू लेट यानि कि देर होने से पहले हम अपनी गलतियों को समझ लें और कंटिन्यूसली अपनी अर्थ को अच्छा करने की कोशिश करें

पेरेंट्स से ली नहीं है यानी कि हमने अपने अपने फ्यूचर जनरेशन अपने बच्चों के लिए बच्चों से बोरो की है इसका मतलब ये है कि जब हम अपने फ्यूचर फोर फादर्स से अपने पेरेंट्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स अपने दादाजी अपने पापा से ये सब चीज़ें लेते हैं तो हम क्या करते हैं उसको अच्छे से यूज़ नहीं करते ध्यान से यूज नहीं करते लेकिन हमारा अगर थॉट ये रहेगा कि हमने बच्चों से से बोरो किया है और अब हमें इसे उसी कंडीशन में वापस करना है उन्हें ताकि उन वो अपने समय पे यूज़ कर पाए और अब चीज़ों का सुख ले पाएं इसीलिए ये कंडीशन आप रखो अपने माइंड में ये थॉट रखो तो ये कहते हैं मिस्टर लेस्टर ब्राउन सेकेंड क्वेश्चन वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आर फोर फादर्स वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आर चिल्ड्रेन अब ये जो है ये लाइन्स बोली गई हैं और ये बोला गया कि जो अर्थ है हमने इनहेरिट नहीं करी अपने फोर फादर्स से यानी कि अपने पूर्वजों से जब बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमने अपने चिल्ड्रेन से बोरो की और हमें एग्जैक्टली exactly उसी कंडीशन में इन्हें देना है तो इसको डिस्कस करते हैं को फ्रॉम कई सालों से जो हैं वो अर्थ के रिसोर्स एक अलार्मिंग रेट पे यूज कर रहे हैं अलार्मिंग रेट रेट है ना चौकन्ना कर देने वाली पे कि अब बहुत लिमिट हो गई अब इसको हमें कम करना पड़ेगा जितनी जरूरत है बस उतना ही यूज करना पड़ेगा विदाउट वरिंग अबाउट द फ्यूचर जनरेशन और उन्हें फ्यूचर जनरेशन की कोई चिंता नहीं कंटिन्यूसली ओवर यूज हैं सारे रिसोर्सेज को नाउ द इनवायरमेंट हैज़ बिकम क्रिटिकल इनऑफ दैट ह्यूमस मस्ट रियलाइज द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इन्वायरमेंट की हालत बहुत क्रिटिकल हो गई है यानी कि बहुत सीरियस हो गई है और अब वो एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया यानी कि वो टाइम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है जब हमें अपने कंधे पे ये जिम्मेदारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि अब हम एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और हमारे पर्यावरण के लिए हमारे एनवायरमेंट के लिए हर वो चीज करेंगे जो उसके लिए अच्छी है विथ क्वाइट सम टाइम ह्यूमन परसेप्शन इज चेंजिंग एंड दर्थ इज सीन एज अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू अब काफ़ी समय से जो ह्यूमन्स हैं उनका परसेप्शन यानी उनकी सोच बदल रही है पहले हम लोग अर्थ को एक क्या समझ के चलते थे एक मैकेनिस्टिक व्यू एक मशीन के तौर पर चलते थे सिर्फ उसको कंटिन्यूअसली ओवर यूज़ करते थे उसकी कोई रिपेयरिंग नहीं करते थे बट अब जो हमारा ये थाट है वो शिफ्ट हो गया है कहाँ शिफ्ट हुआ है हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू होलिस्टिक यानी अर्थ को पूरा ओवरऑल देखना हर डायरेक्शन से हर एस्पेक्ट को देखना और कंटिन्यूसली उस उसकी नीड को समझना अगर उसमें कोई नीड है उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है और इकोलॉजिकल व्यू यानी कि उसके इकोलॉजिकल सारे कॉन्सेप्ट सारे जो इकोलॉजी के उसके सारे एस्पेक्ट्स को समझना अर्थ हाँ इस सीन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक एंड वाइटल नीड्स और अर्थ को हम एक ह्यूमन बींग की तरह लें जिसकी अपने मेटाबॉलिक नीड्स है, होती हैं कुछ ज़रूरतें होती हैं और कुछ वाइटल प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस सीड्स का सो हो के ग्रो के बड़े प्लांट बन जाना ये भी एक प्रोसेस है तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं तो इन प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा इसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और हर वो चीज़ अर्थ को प्रोवाइड करनी पड़ेगी रिपेयर करनी पड़ेगी जिसकी उससे ज़रूरत है मस्ट प्रोटेक्ट दि रिसोर्सेज ऑफ फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड ऑब्वियसली फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें हमारे रिसोर्सेस प्रोटेक्ट करने पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज करना पड़ेगा जिसका मतलब मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन डज द अर्थ रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज इन अ वे दैट डजन अफेक्ट द फ्यूचर तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हम हमारी खुद की नीड्स पूरी करने में इतना ना सेल्फिश ना हो जाए कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़े ही नहीं क्योंकि जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ रही है ऑब्वियसली जब वो आएंगे तो उन्हें भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें यूटिलाइज़ करना पड़ेगा हमारे सारे रिसोर्सेज को तो इस तरीके से ताकि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को अफेक्ट ना करें तो चिल्ड्रेन विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस चैप्टर इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारे क्या इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रिसोर्सेज थे एज अमन बींग हमारे क्या रोल्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए और कैसे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट हमेशा चलना है और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें एक हेल्दी एक एक हेल्दी प्लानट छोड़ना है ना कि एक एलिंग प्लान और टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि अगली हम बहुत सारी वीडियोज़ में आपके सामने मैगनेट ब्रेन्स आपके लिए वीडियोज लेकर आएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स जिसमें पो एक्सप्लेनेशन है पोम्स हैं उनके समरीज हैं सब कवर करेंगे क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके घर क्या लेकर आ रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन ला रहा है बिल्कुल मुफ्त 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 तो आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल टेंशन मत लेना बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर